हेलो बच्चों, मेंटल एबिलिटी के इस वीडियो सॉल्यूशन में आप सबका स्वागत है। आज हम पेपर फोल्डिंग और कटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलो देखते हैं अपना पहला प्रॉब्लम। जो हमारा पहला प्रॉब्लम है, इसमें हमारे पास एक पेपर का टुकड़ा दिया गया है जिसके दाहिनी ओर कुछ आकृति बनी हुई है और बाईं ओर भी कुछ आकृति बनी हुई है। अब अगर इसे हम बाएं से दाएं की ओर इस रेखा के अनुरूप मोड़ें तो हमें बताना है कि आकृति किस तरह दिखेगी। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारे जो बाईं ओर की आकृति है उसमें एक वृत्त है और दूसरा एक त्रिभुज है। आप इमेजिन करो, जब इसे आप मोड़ोगे तो वृत्त का तो जैसे का तैसा आकृति बनेगा, लेकिन जब त्रिभुज को आप मोड़ोगे तो ये कुछ इस तरह दिखाई देगा। अब मोड़ने के बाद ये इस तरह दिखाई देता है और हमारे पास बाएं ओर की आकृति को मोड़ने के बाद दाहिने तरफ की आकृति पहले से ही है वहाँ पे। तो जब हम अपने बाएं ओर की आकृति को मोड़ेंगे तो ये वृत्त इस त्रिभुज में आकर इस तरह इसे घेर लेगा और ये त्रिभुज इस वृत्त में आकर समा जाएगा। ठीक है, तो अब हमें ऑप्शन वन और ऑप्शन टू और ऑप्शन थ्री ऑप्शन फोर में से ढूंढना है कि हमारे द्वारा जो आकृति यहाँ बनाई गई है वह किससे मैच करता है। अगर हम पहले ऑप्शन की तरफ देखें तो जो ऊपर वाला हिस्सा है वो तो मैच कर रहा है, लेकिन नीचे वाले हिस्से में हमारा जो आकृति है उसमें त्रिभुज का जो चेहरा है वो दाई ओर है, लेकिन इसमें त्रिभुज का चेहरा बाई ओर है। तो ऑप्शन वन गलत हो गया। अब ऑप्शन टू की तरफ जाते हैं। ऑप्शन टू में तो ऊपर वाला चेहरा ही हमारा, ये वाला चेहरा ही नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन टू तो बिल्कुल गलत है। अगर ऑप्शन थ्री को आप गौर से देखो तो हमारा जो चेहरा है ऊपर वाला वो भी मिल रहा है और जो नीचे वाला है वो भी मिल रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर थ्री इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में भी हमें वही करना है। हमारे पास एक आकृति दी गई है, इसके दाएं और बाएं तरफ एक आकृति बनी हुई है और हमें इसे इस रेखा के अनुरूप मोड़ने के बाद बताना है कि जब हम इसे मोड़ेंगे तो हमारी आकृति किस तरह दिखेगी। अब हमारे पास एक ये आकृति है और दूसरा एक ये आकृति है। आप जब इसको इसके रेखा के अनुरूप मोड़ोगे तो ये वाला आकृति कुछ इस तरह से इसे घेर लेगा, ठीक है, और इधर वाला हिस्सा तो मुड़ जाएगा। तो जो आकृति बनना चाहिए वो कुछ ऐसा बनना चाहिए, जो कि ऑप्शन वन को देखते ही लग रहा है कि यही इसका आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरे नंबर क्वेश्चन में भी हमें अपने दिए गए आकृति को एक दिए गए रेखा के अनुरूप मोड़ना है। अब हमारे पास ये वाली आकृति है, इधर इसका एरो है और इस लाइन के अनुरूप इसे मोड़ना है। जब आप इसे इस लाइन के अनुरूप मोड़ोगे तो ये वाला हिस्सा यहां से हटेगा और ये इधर आएगा, माफ करना, ये वाला हिस्सा हटकर ये इधर आएगा और ये वाला हिस्सा हटकर इधर आएगा। तो जो आकृति होगी वो कुछ ऐसी होगी। अगर ऑप्शन नंबर वन को देखो तो हमारा जो एरो है वो दाहिने तरफ है, लेकिन हमारे आकृति में एरो बाएं तरफ है, वो भी वृत्त के अंदर, ठीक है। और एक बात और गौर करने वाली है कि जो एरो का साइज है वो दोनों तरफ सेम है, तो ऑप्शन नंबर टू इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
इस क्वेश्चन में भी हमें अपनी आकृति को मोर के बताना है कि जो बनी हुई आकृति है वो मोरने के बाद किस तरह दिखाई देगी। अब देखो हमारे पास ये आकृति है, इसे मोड़ना है इस लाइन के अनुरूप। जब आप इसे मोड़ोगे तो इमेजिन करो ये वाला हिस्सा हटेगा और ये वाला हिस्सा हटकर जाएगा कहाँ, यहाँ पे। फिर ये वाला हिस्सा हटेगा और ये वाला हिस्सा हटकर जाएगा कहाँ, यहाँ पे। तो हमारी जो आकृति होगी मोड़ने के बाद वो कुछ इस तरह दिखाई देगी, जो कि आप सीधे ही देख पा रहे हो। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारे आकृति की तरह दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5th नंबर क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास एक आकृति दी हुई है, एक पेपर का टुकड़ा है। पहले उसे तिरछे मोड़ा गया, ठीक है, तिरछे मोड़कर फिर उसे, जब तिरछे हम मोड़ेंगे एक पेपर के टुकड़े को तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। उसके बाद फिर उसे इस तरह तिरछे मोड़ा गया, अगर इसे इस तरह तिरछे मोड़ देंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। और फिर इस यहाँ पे दो गोले काट कर हटा दिए गए। अब पूछा जा रहा है कि जब इसे हम खोलेंगे तो वो किस तरह दिखाई देगा। तो इस क्वेश्चन को करने का ट्रिक मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि आप पीछे से देखना चालू करो, यानी ऑब्जर्व करना चालू करो। पहले कैसे कट किया, फिर कैसे कट किया, और फिर उसका दर्पण के हिसाब से इमेज, यानी दर्पण के हिसाब से आप उसका मिरर इमेज लेते जाओ। अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो आपके पास ये वाला टुकड़ा है और ये कट किधर से किया गया था, इधर से, ठीक है। तो आप क्या करो, यहाँ एक दर्पण लगा दो। जब आप यहाँ एक दर्पण लगा दो और यहाँ दो कट लगा दो और इसका छाया ले लो इस दर्पण के हिसाब से। अगर इस दर्पण के हिसाब से आप इसका छाया लोगे तो देखो कैसा बनेगा, ऐसा। जो वस्तु दर्पण के पास होती है उसका छाया दर्पण के पास बनता है, जो दूर होती है उसका दूर बनता है। तो इस तरह कुछ बनेगा छाया। और फिर क्या करो, आप इस बीच से मिरर को हटा दो। जब इस बीच से मिरर को हटा दोगे तब कैसी आकृति देखेगी ये देखना। हमारे पास कुछ इस तरह की आकृति दिखेगी जिसमें एक यहाँ गोला कटा होगा, दो यहाँ और एक यहाँ। अब दूसरे में क्या करो, देखो दूसरे में क्या किया गया है, हमारे कागज के टुकड़े को इस तरह कट किया गया है। तो आप यहाँ एक दर्पण लगा दो और इसका छाया ले लो इस तरफ। जब इसका छाया आप लोगे इस तरफ तो देखो कैसा बनेगा। ऐसा बनेगा जिसमें एक गोला यहाँ होगा, दो गोले यहाँ होंगे, फिर एक गोला यहाँ होगा। अब बीच से जब आप दर्पण को हटा दोगे तो टोटली जो लास्ट में हमारा इमेज दिखेगा वो कैसा दिखेगा, एक पेपर पूरा जिसमें यहाँ दो गोले होंगे, फिर दो गोले यहाँ होंगे, फिर दो गोले यहाँ होंगे, फिर दो गोले यहाँ होंगे। इसका मतलब जो ऑप्शन का आंसर होगा वो, इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो होगा वो पहला होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6th में भी हमें वही करना है, पीछे से देखते जाना है, दर्पण का चित्र लेते जाना है और आंसर को बताते जाना है। अगर इस वाले हिस्से की बात करो आप, तो इसको कैसे कट किया गया, इधर ऐसे हॉरिजॉन्टली, ठीक है। अभी हमारे पास इमेज कैसा है, ऐसा। और इसका जब आप इमेज लोगे इस दर्पण के हिसाब से तो वो कैसा दिखेगा, ऐसा, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया था, इसे इस तरह से काटा गया था इस लाइन के अनुरूप। तो ऐसा एक लाइन बनाओ और इसका इमेज इस तरफ ले लो। जब इस तरफ इसका इमेज लोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। और जब टोटली मिलाओगे आप इसे तो कैसा दिखेगा, एक सुंदर सी आकृति,
ऐसा दिखेगा। ऐसा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। चलो देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन में क्या है कि पहले एक कागज के टुकड़े को इस लाइन के अबाउट काटा गया, तो वो हमारे पास कुछ ऐसा बचा, फिर उसे इस लाइन के अबाउट काटा गया, तो वो फिर कैसा बचा? कुछ इस तरह का, ठीक है। और फिर यहाँ पे दो छोटे छोटे चौरस काट के निकाल दिए गए। तो हम क्या देखते हैं, पहले यहाँ आते हैं अपन। यहाँ हॉरिजेंटली काटा गया है, यानी क्षैतिज दिशा में। तो जो हमारे पास हिस्सा है ये वाला, इसमें क्या करते हैं हम, यहाँ एक मिरर लगाते हैं और फिर इसका मिरर इमेज ले लेते हैं। तो आपको पता है जो वस्तु दर्पण के पास होती है उसका जो छाया बनता है वो दर्पण के पास बनता है, और जो दूर होती है उसका दूर बनता है। अभी दर्पण हटाकर इस दोनों को जब आप जोड़ोगे तो कैसा दिखेगा वो देखो। ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब क्या किया गया है, इसे इस रेखा के अनुरूप काटा गया है। तो आप एक ऐसा दर्पण लगाओ और इसका मिरर इमेज यानी दर्पण के अनुरूप छाया इसका ले लो इस तरफ। इस तरफ जब छाया लोगे तो आपको एक इस तरह की आकृति इस तरफ भी दिखेगी। जो इस तरफ आकृति है वो सेम इसी तरह दिखेगी। जब आप दोनों को मिलाओगे तो कैसी आकृति दिखेगी मैं वो बना देता हूँ आपको। ये देखो ऐसा कुछ बनेगा जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारा, 4। इस तरह हम इस चैप्टर में ये देखते हैं कि हमें जो दर्पण इमेज है उस पे थोड़ा कमांड होना चाहिए। उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन को करने में कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं होने वाली है। अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कर देना। थैंक यू।